37% आंकड़ों के साथ बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश देश भर में टॉप पर है। नौकरियों के लिए हजारों लाखों युवा दर दर भटक रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, हजारों लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, पर नौकरी की जगह उन्हें बार बार निराशा ही मिल रही है। वहीं प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां देने का दम भरती है, मगर पिछले 5 सालों में 5 बार HETE एग्जाम लेकर भी हरियाणा सरकार उसके आधार पर एक भी युवा को नौकरी नहीं दे पाई है। ऐसे में कांग्रेस पार्टियां बेरोजगारी के इस गंभीर मुद्दे पर मुखर हो गई है, जिसके तहत आज कैथल में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने HTET एग्जाम में बैठने वाले लाखों युवाओं की आवाज बुलंद की और प्रदेश की भाजपा जसपा सरकार से 5 गंभीर सवाल दागे। एक तरफ तो हरियाणा के युवा बेतहाशा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की दर 37% से अधिक है, और दूसरी तरफ खट्टर सरकार करोड़ों रुपया बेरोजगार युवाओं से वसूल कर उनके साथ ही अन्याय कर रही है। तो हमने 5 सवाल मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी से और उनकी भाजपा जजपा सरकार से हम पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कारण है कि साल 2019 से साल 2023 के बीच में 5 बार HTET एग्जाम लेकर उसके आधार पर एक भी नौजवान को आपने नौकरी नहीं दी? 5 साल में 12,54,000 बच्चे एग्जाम में बैठे, पर HTET के आधार पर आज तक एक नौकरी भी नहीं मिली। क्या ये हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से क्रूर मजाक नहीं? दूसरा सवाल, क्या कारण है कि खट्टर सरकार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से PRT, TGT और PGT के HTET एग्जाम की 1000 से 2400 रुपये फीस वसूल कर 125 करोड़ रुपया कमा चुकी, पर एक फूटी कोड़ी की नौकरी नहीं दी? क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? सवाल नंबर 3, क्या यह सही है कि HTET एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है, जैसा मैंने आपको दिखाया? क्या खट्टर सरकार बताएगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या NCTE के मापदंडों की कोई मायने नहीं बचे? क्या NCTE के मापदंडों की धज्जियां उड़ाकर खट्टर सरकार क्या साबित करना चाहती है? सवाल नंबर 4, क्या HTET एग्जाम 2023 में खट्टर सरकार ने HTET एग्जाम के निर्धारित सिलेबस की खुलेआम अवहेलना नहीं कर डाली गई? क्या अंग्रेजी और हिंदी के सवाल ग्रामर और व्याकरण के आधार पर पूछे जाने का कोई प्रावधान खट्टर सरकार द्वारा जारी HTET के सिलेबस में है? जब है ही नहीं तो आपने पूछे कैसे? अगर नहीं तो किस आधार पर पूछ रहे हैं? क्या ये हरियाणा के HTET एग्जाम 2023 में बैठने वाले 2.5 लाख युवक और युवतियों से भद्दा मजाक नहीं? 5वां सवाल, क्या हरियाणा सरकार अपनी गलती मानकर HTET 2023 के सभी युवाओं को ग्रेस मार्क्स की राहत देगी? क्या मुख्यमंत्री हरियाणा के इन लाखों युवाओं से सरकार के निकम्मेपन, नाकारापन और आपराधिक लापरवाही के लिए माफी मांगे? ये हमारा प्रश्न है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के HTET एग्जाम में बैठने वाले लाखों युवाओं के साथ सरकार घोर अन्याय कर रही है। 12,52,422 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है और पिछले 5 सालों में HTET के आधार पर एक भी नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि HTET के माध्यम से 3 श्रेणियों में अध्यापकों की भर्ती होती है, पहला प्राइमरी टीचर, दूसरा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जबकि तीसरा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की नियुक्ति की जाती है। HTET एग्जाम के लिए बेरोजगार युवाओं को भारी भरकम राशि जमा करवानी पड़ती है। पहली श्रेणी में 1,000, दूसरी में 1,800, जबकि तीसरी श्रेणी में 2,400 रुपए फीस वसूली जाती है। सुरजेवाला ने बताया कि मौजूदा भाजपा जजपा सरकार HTET की परीक्षाओं में बेरोजगार युवाओं से 125 करोड़ रुपए की फीस वसूल चुकी है, पर एक भी युवा को नौकरी नहीं दी है। सुरजेवाला ने इस तमाम विषयों को लेकर सरकार के 5 सवालों के जवाब मांगे और उनका कहना है कि सरकार सवालों का जवाब दे, वरना कांग्रेस पार्टी हरियाणा के युवाओं के साथ मिलकर उनकी आवाज बुलंद तरीके से उठाएगी और सरकार की जड़ें हिला देगी। कैथल से जयपाल रसूलपुर, पंजाब की CTV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।